हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी और अदर कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखपाली के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों एक साथ उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? इसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी का। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में है? इसका आंसर है ये वेनेजुएला में है। भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? इसका आंसर है नारकोंडम तथा बैरन द्वीप हैं। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी किस सन में? तो इसका आंसर है 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय खाद्य निगम अर्थात FCI के द्वारा बनाया जाता है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य ईश्वर का अपना देश है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो इसका आंसर है फ्लोरीन F2 जो है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है उसे हम वेक्टर कहते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हमारे हिलने लगते हैं? इसका आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। दही खट्टी किस अम्ल के कारण से होती है? इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। 1 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण को प्रयुक्त किया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती।